नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्तमान में होने वाले राहु ग्रह के गोचर के ऊपर बात करेंगे और उस गोचर का सिंह राशि वाले जातक के ऊपर क्या फल बन रहा है, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर हम बहुत ही विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं, जिससे हम राहु ग्रह सिंह राशि वाले जातक के लिए दसवें भाव और केतु ग्रह चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, इसका क्या फल होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही किसी भी भाव से जब राहु ग्रह तीसरे, छठे, दसवें और ग्यारहवें भाव में होते हैं तो उस भाव के लिए शुभ फल क्रिएट करते हैं, तो क्या एग्जैक्टली शुभ फल होने वाला है आपके जीवन में, सिंह राशि वाले जातक के जीवन में, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही एक और भी प्रिंसिपल है कि किसी भी भाव से राहु ग्रह जब अष्टम और द्वादश में होते हैं तो उसका अशुभ फल जातक को प्राप्त होता है, तो एग्जैक्टली क्या अशुभ फल होगा इसके ऊपर हम बात करेंगे और राहु ग्रह की दृष्टि के ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से यह अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल सके। और यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य एक बार चेकआउट करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 23 सितंबर 2020 को राहु ग्रह मिथुन राशि से होकर वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। राहु ग्रह सदैव वक्र चलते हैं, इसलिए तीसरे से दूसरे नंबर में जाएंगे, तो वृषभ राशि में राहु ग्रह उच्च के माने गए हैं, तो वह कोई भी राशि का जातक हो, कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक शुभता का आगमन तो अवश्य होगा, लेकिन विशेष तौर पे सिंह राशि वाले जातक के लिए इसका क्या फल होगा यह हम समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यह समझना होगा कि वृषभ राशि क्या है और राहु ग्रह क्या है। वृषभ राशि कुंडली का मूल द्वितीय भाव माना गया है। मूल रूप से द्वितीय भाव आपकी कुंडली में आपके परिवार का स्थान है, आपके जमा धन, आपके एसेट्स, वैल्यू सिस्टम, परिवार से प्राप्त वैल्यू सिस्टम, अर्थात कि आपका संस्कार का स्थान है, आपका स्पीच, आपका नेत्र तथा दैनिक जीवन में जैसे भोजन करना आप पसंद करते हैं, इन सभी चीज़ों को कुंडली के द्वितीय भाव से समझते हैं। और राहु ग्रह एक पाप तथा भ्रमितता का कारक ग्रह माना गया है, लेकिन क्या यह ग्रह सिर्फ और सिर्फ पाप फल ही देता है, तो मैं आपको बतला दूं, राहु मोक्ष का कारक ग्रह भी माना गया है। राहु और केतु मोक्ष के कारक ग्रह माने गए हैं, यह आपके स्पिरिचुअल साइकिल को कंप्लीट करते हैं और आपको मुक्ति प्रदान करते हैं। आपने जिस भी प्रकार के कर्म किए हैं इस जन्म में या फिर पूर्व जन्मों में, उसका फल राहु और केतु प्रदान करते हैं। राहु आपकी कुंडली के जिस भी भाव में स्थित हो, उस भाव से संबंधित फल आपने अर्जित नहीं किया है अपने पूर्व जन्म में, उस भाव से संबंधित कर्म को आपने नहीं किया, ड्यूटीज को आपने फुलफिल नहीं किया, इसीलिए राहु ग्रह उस भाव में स्थित है और वह चाहता है कि आप उस भाव पर कंसंट्रेट करें, उसके प्रति जो भी ड्यूटीज हैं, जो भी पुरुषार्थ है उसे आप फुलफिल करें। उसी प्रकार केतु ग्रह जिस भी भाव में स्थित होता है, उस भाव से रिलेटेड सभी प्रकार के पुरुषार्थ और ड्यूटीज आपने पूर्व जन्म में ही अर्जित कर लिया है, फुलफिल कर लिया है, इसलिए राहु ग्रह उस भाव में स्थित होकर आपसे यह चाहते हैं कि आपको वहां पर ध्यान ना लगाकर राहु जहां पर बैठे हैं वहां पर ध्यान लगाना है। लेकिन स्थिति गंभीर तब होती है जब राहु ग्रह की सप्तम दृष्टि केतु के ऊपर पड़ती है और केतु की सप्तम दृष्टि राहु के ऊपर पड़ती है, यहां पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है, यहां पर टग ऑफ वार होता है, और यही कारण है कि लगभग हर व्यक्ति राहु और केतु से पीड़ित है, चाहे उसकी कुंडली में राहु और केतु कितने भी शुभ स्थिति में हो, किसी भी भाव में स्थित हो, क्योंकि जब जातक इन दोनों ग्रहों के दृष्टि को अलग अलग ना कर ले, उसे समझ ना ले, तब तक वह अपना पूर्ण रूप से शुभ फल आपको प्रदान नहीं करते हैं। राहु ग्रह के किसी भी उपाय को करके राहु को शांत नहीं किया जा सकता, मैं आपको बतला दूं, राहु के साथ हुआ जा सकता है, राहु के विरुद्ध होकर उससे बचा नहीं जा सकता है। राहु ग्रह साक्षात रूप से परब्रह्म परमात्मा का दूत के समान माना गया है, क्योंकि राहु आपको आपके कर्म के फल देते हुए आपको स्पिरिचुअल साइकिल पर कंप्लीट करता है और आपको मुक्ति भी प्रदान करता है। राहु ग्रह के कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए शास्त्रों में कुछ
मिस्टिकल स्टोरीज है उसके ऊपर हम छोटे रूप से बात करते हैं। जैसे कि राहु ग्रह का जैसे ही जन्म होता है, राहु अपने सौतेले भाई सूर्य से लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए पहुंच जाता है। उसका यह सोचना था कि मुझे इस सूर्य को पराजित करना है और उसके अधिकार को प्राप्त करना है, लेकिन राहु ग्रह बहुत ही बुरी तरीके से मुंह की खाकर धरती की ओर गिरता है। तो इस कथा से हमें यह परिणाम प्राप्त होता है, यह सीख मिलती है कि राहु एक महापराक्रमी ग्रह है। वह उतने छोटे उम्र में भी सूर्य जैसे ग्रह से लड़ने चला गया। राहु दूसरे के धन को, दूसरे के हक को हड़पने का प्रयास कर सकता है। राहु इतना अधिक पराक्रमी है, इतना अधिक कुटिल है, चतुर है, चालाक है कि वह किसी भी प्रकार के कार्य को कभी भी किसी भी माहौल में सिद्ध कर सकता है। राहु एक डिप्लोमेटिक प्लैनेट है। एक और भी कथा हमें शास्त्रों में मिलता है कि जब समुद्र मंथन के समय विष्णु भगवान जब सभी देवताओं को अमृत पिला रहे थे, तो उस समय राहु ग्रह राक्षसों के मध्य होते हुए भी देवताओं के मध्य अपने रूप को, अपने भेष को बदल कर बैठ जाता है और अमृत पान कर लेता है, और सूर्य और चंद्रमा उसे आइडेंटिफाई कर विष्णु जी को बतलाते हैं, और विष्णु जी उसी समय अपने सुदर्शन चक्र से उसके धड़ और सर को अलग कर देते हैं। उस समय से और भी अधिक शत्रुता राहु की सूर्य और चंद्रमा से हो जाती है। लेकिन इस कथा से हमें यह सीख मिलता है कि राहु एक वेशधारी है। राहु मुखौटा धारण करने वाला है, अपने वेश को चेंज कर लेता है, किसी भी माहौल में एडजस्ट हो सकता है। यहाँ तक कुटिल है, यहाँ तक चालाक बुद्धिमान है कि देवता भी उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। दोस्तों, राहु के ऊपर यदि चर्चा की जाए तो एक वीडियो, दो वीडियो काफ़ी कम पड़ेगा। अतः हम अपने मूल विषय में आते हुए आइए बात करते हैं सिंह राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह का यह गोचर किस प्रकार का परिणाम देने वाला है। तो मैंने आपको बताया कि वृष राशि क्या है और राहु ग्रह क्या है। जब इन दोनों एलिमेंट का संयोग बनता है तो राहु ग्रह उच्च के हो जाते हैं। राहु ग्रह सिंह राशि वाले जातक के लिए आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा परिणाम आपको देने वाला है। आपके अंदर सभी प्रकार की वह क्वालिटीज़ जो रिक्वायर्ड है अपने कर्म स्थान में आगे बढ़ने के लिए, वो सभी बहुत ही तेज़ी से डेवलप करने वाला है, और आपके कुटिल नेचर, आपके चलाकी, आपकी बुद्धिमता के कारण आप अपने कर्म स्थान में उच्च पद को प्राप्त करेंगे। आप अपने कर्म स्थान को चेंज भी कर सकते हैं। यह भी ऐसा भी चांस आएगा कि आपको अपना कर्म स्थान चेंज करना पड़े, लेकिन उससे उत्थान ही आपका होगा। यह आपका संबंध अपने उच्च अधिकारी से तथा सरकार से थोड़ा अच्छा बनाएगा। राहु तो वैसे शत्रुता रखता है कर्मस्थान से यदि बिलोंग करता है तो, और अपने उच्च अधिकारी, अपने सरकार, अपने पिता से थोड़ा सा अनबन की स्थिति उत्पन्न करता है, लेकिन यहाँ पर राहु ग्रह उच्च के हो रहे हैं और शुक्र उसका मित्र ग्रह है। अतः राहु को बहुत ही फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला हुआ है कि वह अपना कार्य को सिद्ध कर सके। सिंह राशि वाले जातक, आप किसी भी कार्य को करने जाएंगे तो आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। आपके अंदर वह क्वालिटीज बिल्ट अप हो जाएगा कि आप किसी भी प्रकार से कहीं से भी अपने काम को निकलवा सकें। आपके काम में एक डिप्लोमेटिक बिहेवियर आ जाएगा, उस बिहेवियर के कारण आप कहीं पर भी किसी से भी कार्य को निकलवा सकते हैं। आपके उच्च अधिकारी आपसे डरे रहेंगे, आपसे प्रभावित रहेंगे, और आपसे प्रभावित होने के कारण आपको अच्छे लीड्स अपने कर्मस्थान में प्राप्त हो सकते हैं। केतु ग्रह का यह गोचर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अशुभता क्रिएट कर सकता है, क्योंकि केतु एक अलगाववादी ग्रह है और यह आपके शुभ स्थान में बैठा हुआ है, तो आपको सुख सुविधा में थोड़ा कमी उत्पन्न कर सकता है। आपके घर का माहौल थोड़ा सा असुविधाजनक हो जाएगा। यह भी चांसेस है कि आप अपने घर को, अपने कार्यस्थान को चेंज करें और उस चेंज के कारण आपको परेशानी उत्पन्न होगी। लाइफ में थोड़ा आराम में भंग करेगा केतु। आपकी माताजी के जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन मिला जुला कर जब यह दोनों ग्रहों का योग देखते हैं तो यह आपका एक अच्छा परिणाम देने वाला है सिंह राशि वाले जातक के लिए। आइए हम इसे और विस्तार देते हैं, और भी गहनता से समझते हैं कि सिंह राशि वाले जातक के लिए किस प्रकार का फल बनाने वाला है यह राहु ग्रह। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ
राहु ग्रह के फलादेश के ऊपर बात करूंगा। चूंकि यह वीडियो बड़ा रहने वाला है, काफ़ी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, तो अभी टाइम के बाउंडेशन के कारण यह पॉसिबल नहीं हो सका कि मैं आपको केतु ग्रह का भी फलादेश बतलाऊं, लेकिन सिर्फ राहु ग्रह के फलादेश से आपको काफ़ी संतुष्टि होगी और काफ़ी सटीक फलादेश रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करते करते एक चीज़ मैं आपको और भी क्लियर करूं कि यहाँ पर जो मैंने सिंह राशि लिया है, आपको लग्न राशि के आधार पर भी समझना है और आपको चंद्र राशि के आधार पर भी समझना है। पर इसे कैसे समझा जाए, जब हम लग्न राशि लेते हैं तो लग्न राशि का अर्थ है कि ऐसी चीज़ें जो वास्तव में आपके साथ घटित होंगी, फिजिकल रूप से क्या रियलिटी में घटित होने वाला है आपके जीवन में, उसे हम लग्न राशि से समझते हैं। अर्थात कि आपके फर्स्ट हाउस में यदि सिंह राशि है, 5 नंबर है, तो आपका लग्न का राशि सिंह राशि हुआ। उसी प्रकार यदि आपका चंद्रमा सिंह राशि में है, चाहे वो किसी भी भाव में स्थित हो, यदि चंद्रमा जहाँ पर स्थित है उस भाव में 5 नंबर है या फिर सिंह राशि लिखा हुआ है, तो आपकी चंद्र राशि सिंह राशि हुई। और चंद्र राशि से हम आपके मनोस्थिति को समझते हैं, आपके मन की स्थिति, आपका इमोशन, आपका फीलिंग, आपका कॉन्शियस माइंड क्या कहेगा, आपका मन क्या कहेगा, आपका मन क्या करेगा, कुछ किसी चीज़ के प्रति आप किस प्रकार से प्रभावित होंगे, मानसिक रूप से किस प्रकार से आप इस राहु ग्रह से प्रभावित होने वाले हैं, वह हम आपके चंद्र राशि से समझेंगे। उसी प्रकार लग्न राशि से फिजिकल रूप से आपको फलादेश को समझना है, अर्थात कि एग्जैक्टली आपके साथ जो घटित होगा वह आपका लग्न का राशि होगा, लेकिन उसी अवधि में आपको क्या मन करता रहेगा, यह हम आपके चंद्र की राशि से देखेंगे। आइए हम बात करते हैं इसके और भी विस्तृत फलादेश के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी भाव से राहु ग्रह जब 3रे, 6ठे, 10वें और 11वें में रहते हैं तो उस भाव से संबंधित अच्छे फल प्रदान करते हैं, लेकिन किस प्रकार के अच्छे फल प्रदान करेंगे इसको हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस से राहु ग्रह 10th हाउस में स्थित है, यहाँ से जब हम काउंट करते हैं तो यहाँ से 7, 8, 9, 10, तो आपके फर्स्ट हाउस से राहु ग्रह 10th हाउस में स्थित है, आपके 12th हाउस से राहु ग्रह 11th हाउस में स्थित हैं, आपके 5th हाउस से राहु ग्रह 6th हाउस में स्थित हैं और आपके 8th हाउस से 3rd हाउस में राहु ग्रह स्थित हैं। अर्थात कि आपके कुंडली का 12th हाउस, 1st हाउस, 5th हाउस और 8th हाउस का राहु ग्रह अच्छा परिणाम देने वाले हैं, बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले हैं। क्या वह शुभ परिणाम रहेगा, आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लग्न स्थान का। आपके लग्न स्थान से राहु ग्रह 10th हाउस में है, अर्थात कि आप अपने लग्न के प्रति कर्म को करेंगे, क्योंकि 10th हाउस कर्म का स्थान है। लग्न के प्रति कर्म का अर्थ है आपका लग्न शरीर है, स्वास्थ्य है, मान सम्मान है, सुख दुख है, आपका अपना स्टेटस है, तो आप अपने स्टेटस के उत्थान के लिए कार्यरत होने वाले हैं। आपसे जो भी कर्म होंगे उससे आपके स्टेटस में उत्थान होगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आप अपने सुख की वृद्धि के लिए कार्यरत होंगे और आपको सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, फर्स्ट हाउस आपका स्वास्थ्य भी है, अतः इस अवधि में आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कोई योगा सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करने लग जाएंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। यदि आप किसी बीमारी से या फिर किसी भी प्रकार के डिजीज से जूझ रहे थे तो आपको चाहिए कि आप कोई अल्टरनेटिव काइंड ऑफ मेडिसिन में जाएं, जैसे कि आयुर्वेदा या फिर होम्योपैथ, इस प्रकार की चीज़ से आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। आप इस चीज़ों को रेफर करें, गौमूत्र का सेवन करें, इस प्रकार की चीज़ें आप करने लगेंगे जिससे आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं, आप एनर्जाइज हो जाएंगे, आप रेगुलर एक्सरसाइज करने लगेंगे और उससे आपके हेल्थ में सुधार होगा। अर्थात कि आप अभी इस गोचर के बाद ऐसे कर्म ही करेंगे जिससे आपका हेल्थ बढ़े, आपका मान सम्मान बढ़े, आपके सुख में वृद्धि हो, आपका स्टेटस बढ़े। उसी प्रकार कुंडली के 5th हाउस से राहु ग्रह 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि 5th हाउस से रिलेटेड जो भी कारक तत्व है उसको प्राप्त करने में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही थी, जो भी हिंड्रेंस आ रहा था, जो भी रुकावटें उत्पन्न हो रही थी, वो सभी रुकावटें राहु ग्रह इस बार दूर करने वाले हैं, क्योंकि 5th से 6th में है, अर्थात 5th से रिलेटेड जो भी रोग ऋण और शत्रु हैं
उसमें कंट्रोल की स्थिति उत्पन्न करेंगे। कुंडली का फिफ्थ हाउस आपका शिक्षा अर्जन विद्यार्जन का स्थान है, आपका अंडर ग्रेजुएशन का स्थान है, आपके संतान, लव, रोमांस, ईश्वर के प्रति विश्वास, ईश्वर के प्रति भक्ति भावना, पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म, इन सभी चीज़ों को फिफ्थ हाउस से देखते हैं। साथ ही कुंडली के फिफ्थ हाउस से हम आपके रेंटेड हाउस को भी देखते हैं। जब फिफ्थ हाउस से सिक्स्थ में गोचर करेंगे राहु ग्रह, तो आप यदि ये अलग अलग स्तरों से फल देने वाले हैं, आप जिस भी एज ग्रुप में हैं उस एज के अनुसार आपको फल की प्राप्ति होगी। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी शिक्षा अर्जन में जो परेशानी उत्पन्न हो रही थी, जो विद्या अर्जन में, विद्या को प्राप्त करने में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही थी, वो समाप्त होगा। आपको ग्रेजुएशन करने में, ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने में अगर हिंड्रेंस उत्पन्न हो रहे थे, तो वह हिंड्रेंस दूर होंगे। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो इस बार आपको संतान की भी प्राप्ति होगी। आपके लव, रोमांस, इन चीज़ों में यदि आपको कोई हिंड्रेंस आ रहा था, आपको विघ्न बाधा उत्पन्न हो रही थी, तो उसे भी दूर करेंगे राहु ग्रह। साथ ही कुंडली का फिफ्थ हाउस आपका रेंटेड हाउस है, इसलिए रेंटेड हाउस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप किसी ऐसे रेंटेड घर में रह रहे हैं जहां पर आपको अनेक समस्याएं हैं, तो उन सभी समस्याओं का निदान होगा और मोस्ट प्रोबेबली आप अपने घर को भी चेंज करेंगे। अधिक सुख प्राप्ति के लिए आप अपने घर को चेंज करेंगे और उस घर के चेंज होने से आपके जीवन में सुखता, शुभता की अनुभूति होगी। यह फिफ्थ हाउस के लिए बहुत ही उत्तम समय है। ईश्वर के प्रति थोड़ा विश्वास डगमगाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ईश्वर के प्रति बहुत ही प्रचुर भक्ति भावना जगने वाली है। यह समय शिक्षार्जन के लिए बहुत ही उत्तम है, किसी भी प्रकार के ज्ञान को अर्जन के लिए बहुत ही उत्तम है। और यदि आप कोई परफॉर्मिंग आर्ट से बिलोंग करते हैं, कोई स्टेज परफॉर्मेंस या फिर इस प्रकार की चीज़ों से बिलोंग करते हैं जहां पर अपने पैशन को शो करना होता है, और अपने पैशन को प्राप्त करने में यदि आपको परेशानी उत्पन्न हो रही थी, तो उसे भी राहु ग्रह इस वक्त दूर करने वाले हैं। कुंडली के एट्थ हाउस से राहु ग्रह थर्ड हाउस में गोचर करेंगे, अर्थात कि कुंडली के एट्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों में आप एफर्ट डालेंगे और उस एफर्ट में आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। कुंडली का एट्थ हाउस आपका वैवाहिक जीवन, वैवाहिक सुख का स्थान है, यौन सुख का स्थान है। साथ ही कुंडली का एट्थ हाउस आयु, मृत्यु, जीवन में हिंड्रेंस, आपका अपना इन लॉज का हाउस, इन चीज़ों को हम एट्थ हाउस से देखते हैं। और साथ ही अकल्ट, मिस्टिसिज्म या फिर किसी प्रकार के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी हम कुंडली के एट्थ हाउस से देखते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि गुप्त है, रहस्यमय है, पराशक्ति है, पराविद्या है, इन सभी चीज़ों को हम कुंडली के एट्थ हाउस से देखते हैं। तो इन चीज़ों के प्रति आप एफर्ट डालने वाले हैं और उस एफर्ट से राहु चूंकि एक कुटिल ग्रह है, एक चलाक ग्रह है, एक बुद्धिमान ग्रह है, तो अपनी बुद्धि से, अपनी कुटिलता से, अपनी चलाकी से राहु ग्रह यहाँ के चीज़ों को अचीव करने वाले हैं। अर्थात कि यदि आपको वैवाहिक जीवन में कोई समस्या उत्पन्न हो रही थी, तो उस समस्या में आप अपने स्पाउस से जो भी आपका कम्युनिकेशन गैप था, वो गैप फुलफिल होने वाला है। आपके स्पाउस से आपका अच्छा कम्युनिकेशन होगा, जिससे आपके वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी। आपके अपने इन लॉज के जो हाउस हैं, आपका जो ससुराल का स्थान है, उनके फैमिली मेंबर्स से यदि आपका कम्युनिकेशन गैप था, तो वह फुलफिल होने वाला है। आप अपने स्पिरिचुअल उत्थान के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए एफर्ट डालेंगे और उस एफर्ट का आपको बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। आप किसी भी चीज़ को करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप रिसर्च बेस्ड आदमी हैं, यदि आप रिसर्च करने वाले व्यक्ति हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, या फिर आपका जॉब ही कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है, तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय आपके कार्यस्थान में भी आपको उत्थान की प्राप्ति होगी। ये समय आपके अष्टम भाव अर्थात की आयु के लिए भी फ्रूटफुल रहेगा। इस समय राहु ग्रह आपके आयु को बढ़ाने वाले रहेंगे। आप जीवन में ऐसे कार्य को ही करेंगे जिससे आपकी आयु वृद्धि होने लग जाए। आप अपने हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस से भी टेंथ हाउस में गोचर कर रहे हैं और एट्थ हाउस से थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। अर्थात कि जो भी आप एफर्ट करेंगे, जो भी आप कर्म करेंगे, उस कर्म के कारण आपकी आयु में भी वृद्धि होगी। यदि किसी लंबे डिजीज से, बड़े ऋण से यदि आप ग्रसित थे, काफ़ी लंबे समय से कोई बड़ा लोन आपके ऊपर चढ़ा हुआ था, तो उस लोन को चुकाने के लिए आप थोड़ा सा बस एफर्ट करें,
मान लीजिए आपके पास धन नहीं भी है, धन का कोई स्रोत भी नहीं है, फिर भी आप बस एक एफर्ट डाल के देखें, स्वतः ही वह ऋण चूकने लग जाएगा, वह ऋण समाप्त हो जाएगा। इस 18 माह के अंतर में आपका ऋण भी समाप्त हो सकता है, कोई गुप्त शत्रु है उसे भी आप नाश कर देंगे और आपका जीवन में एक पराशक्ति का आगमन होगा। पराशक्ति एक आध्यात्मिक शक्ति का अनुभूति आप कर सकेंगे। आइए बात करते हैं 12th हाउस के लिए राहु ग्रह किस प्रकार फ्रूटफुल होने वाले हैं। आपके 12th हाउस से राहु ग्रह 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, अर्थात के 12th हाउस से रिलेटेड आपको गेन्स होंगे। अब 12th हाउस तो पहले से ही लॉसेस का स्थान है, अब उस लॉसेस का गेन होगा। तो सबसे पहले तो इससे यह समझ में आता है कि जो भी अनैतिक लॉस आपको हो गया था, जो नहीं होना चाहिए था लॉसेस, पर आपको वह लॉसेस हो गए थे, चाहे वो आपके शरीर से रिलेटेड हो, आपके मन से रिलेटेड हो, या फिर आपके धन से रिलेटेड हो, आपके अपने स्टेटस से रिलेटेड हो, वो सभी लॉसेस की भरपाई राहु ग्रह आपके 10th हाउस में आके करने वाले हैं। आपके जीवन में जो भी लॉसेस हैं उसमें रुकावटें उत्पन्न होंगी, और यदि एक लॉस होगा भी तो 4 गेन्स होंगे आपको उसके एवज में। तो एक बहुत ही अच्छा समय है आपके। यदि आप विदेश स्थान से कुछ संपर्क रखते हैं, विदेश स्थान से आपका कार्य है, आप वहाँ से कार्य संपन्न करते हैं अपना, या फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई बिजनेस करते हैं, तो उन सभी चीज़ों में आपको बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होने वाला है। विदेश स्थान से कोई अच्छा रिलेशनशिप बिल्ट होगा, उस रिलेशनशिप के कारण आपके कर्म स्थान में वृद्धि होगी। सिंह राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह विशेष तौर पे आपके कर्म स्थान में अल्टीमेटली पूर्ण रूप से फोकस कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि राहु ग्रह किस प्रकार 12th हाउस, 1st हाउस, 5th हाउस और 8th हाउस के लिए अच्छा परिणाम देंगे। आइए हम जानते हैं कि किसी भी भाव से जब राहु ग्रह अष्टम और द्वादश में बैठते हैं तो किस प्रकार से वह फलित होते हैं, और विशेष तौर पर यह सिंह लग्न, सिंह राशि वाले जातक के लिए क्या परिणाम देने वाले हैं। जब हम देखते हैं तो कुंडली के 3rd हाउस से राहु ग्रह 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि 3rd हाउस के लिए षडाष्टक योग का निर्माण करते हैं। षडाष्टक योग सर्वथा अशुभ फल ही देने वाला होता है, अर्थात कि आप जब देखेंगे यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ से राहु ग्रह 8वें भाव में है और राहु ग्रह से तीसरा भाव 6ठे भाव में है, अर्थात कि तीसरे भाव में रोग, ऋण और शत्रु उत्पन्न होगा तथा उसके बाद उसकी मृत्यु होगी। इसे हम किस प्रकार आपकी कुंडली में समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आपके छोटे भाई बहन के जीवन में परेशानी उत्पन्न होने वाली है, किसी छोटे बड़े समस्या में आपके छोटे भाई बहन फंस सकते हैं। यदि आपकी उम्र बहुत बड़ी है, आपके छोटे भाई बहन की उम्र भी बड़ी है, तो वह स्वर्ग को पधार सकते हैं, उनका देहांत हो सकता है, या फिर उनकी कुंडली में कोई अशुभ योग बने हैं तो वह अशुभ योग अभी फलित हो जाएंगे। ये षडाष्टक योग आपके कुछ एफर्ट्स को, आपके कुछ स्किल्स को समाप्त करेगा या फिर दूषित करेगा। यदि आपके अंदर कोई कोर कॉम्पिटेंस है, कोई अच्छा स्किल्स आपके अंदर है, या फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका इंटरपर्सनल स्किल्स, इन सभी स्किल्स को राहु ग्रह थोड़ा दूषित करेंगे। आपको वार्तालाप करने में, मास मीडिया में, मास कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। यदि आप मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यदि मीडिया से संबंध रखते हैं, मास कम्युनिकेशन से संबंध रखते हैं, तो आपको वहाँ पर भी परेशानी उत्पन्न होगी। आपके एफर्ट उस क्षेत्र में आप डालेंगे लेकिन वह फलित नहीं हो पाएगा, वह फलित होगा लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी उत्पन्न होगी और अंतिम में जाकर वह एफर्ट आपका नाश हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यह पता चलता है कि आप अपने जीवन में कुछ भी एफर्ट को डालेंगे, यदि आपकी कोई डिज़ायर है, उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए यदि आप एफर्ट डालते हैं, तो इस समय आपके लिए अच्छा परिणाम नहीं होने वाला है। राहु ग्रह आपके दोनों ही एफर्ट के हाउस को नाश कर रहे हैं। एक तरफ 3rd हाउस एक एफर्ट का स्थान है, साथ ही आपके डिज़ायर्स का स्थान है, और कुंडली का 11th हाउस भी आपके अपने डिज़ायर्स का स्थान है। तो 3rd हाउस को षडाष्टक योग बनाकर यह नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आपके 11th हाउस से राहु ग्रह द्वादश स्थान में स्थित हैं, अर्थात कि आपके 11th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को लॉस करेंगे। 11th हाउस आपके बड़े भाई बहन का स्थान है, आपके अपना इनकम का स्थान है, फिक्स्ड इनकम का स्थान है, आपके अपना कलीग्स, आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्रगण, आपके अपने नेटवर्क सर्कल, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको लॉसेस उत्पन्न होंगे,
सबसे पहले तो आपका जो अपना फिक्स्ड इनकम था, जो भी आपका सैलरी था, मे बी आपके सैलरी में थोड़ी सी कमी उत्पन्न हो। एक तरफ मैं यहाँ पर बतला रहा हूँ कि आपके कर्म स्थान के लिए अच्छा करेंगे, और दूसरी तरफ मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आपके सैलरी में थोड़ी कमी उत्पन्न होगी। तो यह किस प्रकार हो सकता है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप कोई छोटी सी कंपनी में काम करते हैं, और आपके पास एक अच्छी कंपनी से ऑफर आया सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, तो आप अवश्य ही उसके लिए जाना चाहेंगे। आपके प्रोफाइल में वृद्धि होगी और मे बी वो कंपनी आपको थोड़ा सा लेस पे कर रही है, या फिर आपको अधिक पे कर रही है, लेकिन उसका जो अपना CTC है, अर्थात कि जो कट कर मिलता है, जो आपका परसेंटेज कटता है, वो अधिक कट रहा है, जिसके कारण आपको अभी इन हैंड आपको कम कैश प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आप, अर्थात कि किसी भी एंगल से आपके 10th हाउस को यह खराब नहीं करेगा, लेकिन आपके 11th हाउस से रिलेटेड पूर्ण फल को लॉस करवाएगा। अर्थात कि आपके बड़े भाई बहन के जीवन में भी लॉसेस उत्पन्न होंगे, एक तरफ छोटे भाई बहन और एक तरफ बड़े भाई बहन, अर्थात कि आपके सिबलिंग्स के जो जीवन है, अर्थात कि आपके सिबलिंग्स के जीवन में कुछ अनबन उत्पन्न होगी, कुछ ऊंच नीच की स्थिति उत्पन्न होगी, और उनके जीवन में कुछ समस्याएं, कुछ कष्ट, कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपके बड़े भाई बहन के लिए भी यह समय अच्छा नहीं है। आप अपने बड़े भाई बहन से दूर जा सकते हैं, या फिर आपके बड़े भाई बहन आपसे दूर जा सकते हैं। इस योग के कारण, यह जो 11th हाउस से 12th हाउस में राहु ग्रह बैठ रहे हैं, इस कारण क्या है कि आपके कर्म स्थान में जो आपका नेटवर्क सर्कल है, वो नेटवर्क सर्कल थोड़ा सा छोटा हो सकता है। नेटवर्क सर्कल से कुछ लॉसेस आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपके कलीग्स, आपके मित्रगण आपसे कुछ गलत नीतियों का उपयोग कर आपको नुकसान पहुंचाने की प्रयास कर सकते हैं। अर्थात कि यह गोचर आपके 3rd हाउस और 11th हाउस के लिए अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है। अर्थात आपके किसी प्रकार के डिज़ायर्स इस समय फुलफिल नहीं होंगे, वो नए डिज़ायर्स आपको अभी इस समय प्रकट नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार कुंडली के 12th हाउस, 1st हाउस, 5th हाउस और 8th हाउस के लिए बहुत ही अच्छा समय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुंडली के 5th हाउस और 8th हाउस, इन दोनों को राहु ग्रह बहुत ही अच्छा परिणाम दे रहे हैं। अर्थात कि यह आपके 7th हाउस, आपके रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपका अपना स्पाउस, आपकी पत्नी, आपका विवाह, आपके लव रिलेशनशिप, इन सभी चीज़ों में बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे राहु ग्रह। आइए हम बात करते हैं राहु ग्रह का यह दृष्टि किस प्रकार से फलित होने वाला है। राहु ग्रह यहाँ पर स्थित होके कुंडली के 2nd हाउस को 5th दृष्टि देते हैं, कुंडली के 4th हाउस को 7th दृष्टि दे रहे हैं, और कुंडली के 6th हाउस को 9th दृष्टि दे रहे हैं। राहु का वैसे तो दृष्टि सदैव अशुभ कारक ही माना गया है, क्योंकि राहु एक पाप ग्रह है, एक क्रूर ग्रह माना गया है राहु को। तो राहु जहाँ पर भी अपना दृष्टि देता है, वहाँ से संबंधित फलों में कमी उत्पन्न कर देता है। राहु ग्रह 5th दृष्टि द्वितीय भाव में डाल रहे हैं, तो जहाँ पर भी राहु का 5th दृष्टि पड़ता है, वहाँ पर से राहु कुछ सीखना चाहता है, कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। अर्थात कि आप अपने घर परिवार के वैल्यू सिस्टम के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, आपके घर से जो संस्कार आपको सिखलाए गए हैं उस प्रति आप अग्रसर होंगे, उसे पालन करने के लिए आप अग्रसर होंगे, उसे सीखना चाहेंगे। लेकिन इसी सीखने के बीच आपसे कुछ ऐसी गड़बड़ी भी हो जाएगी जो कि आप अपमान के भागीदारी बनेंगे। परिवार में हो सकता है कि कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाए आपके कारण। आप कुछ ऐसे वार्तालाप को कर देंगे, आप कुछ ऐसे चीज़ों को कर देंगे जिसके कारण घर का माहौल थोड़ा सा बिगड़ जाए, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाकी आपको संस्कार सिखाएगा राहु, यहाँ पर आपको थोड़ा सा धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जमा धन में हो सकता है थोड़ी सी कमी उत्पन्न हो, क्योंकि आपके यहाँ पर जो आय है उसमें कमी उत्पन्न हो रही है। जब आय में कमी उत्पन्न होगी तो जातक अपने जमा धन को निकाल कर खर्च करता है, इसलिए आपके जमा धन में भी थोड़ी सी कमी उत्पन्न होने वाली है। लेकिन राहु की इस दृष्टि के कारण आपके परिवार के सदस्यों में वृद्धि होगी, आपके घर में कोई नए सदस्य का आगमन होगा, या तो किसी का जन्म होगा या फिर किसी का विवाह हो सकता है। तो एक मिला जुला कर एक सम समय है, आपको अच्छे फल भी प्राप्त होंगे और अशुभ फल भी प्राप्त होंगे। उसी प्रकार राहु ग्रह का 7th दृष्टि कुंडली के 4th हाउस में पड़ रहा है,
तो राहु का सप्तम दृष्टि सर्वाधिक अशुभ दृष्टि माना गया है। उसका रीजन बस यह है कि केतु ग्रह यहाँ पर पूर्व से ही विद्यमान है और राहु का नेचर है कि चीज़ों को एक्सप्लॉइट करना, चीज़ों को खोद कर निकालना, लेकिन केतु ग्रह वहाँ से कट ऑफ करता है। तो केतु का एनर्जी यहाँ पर ऑलरेडी है जो कि नहीं चाहता है कि आप यहाँ पर ध्यान दें, और राहु ग्रह यहाँ पर अपनी दृष्टि डालकर यहाँ पर अपने ध्यान को वितरित कर रहे हैं, अपने ध्यान को लगा रहे हैं, जिसके कारण आपके कर्म स्थान में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। क्या होगा? होगा यह कि आप अपनी माता जी के प्रति थोड़ा सा चिंतित हो जाएंगे, आप अपने घर परिवार के प्रति हो सकता है थोड़ा सा चिंतित हो जाएं, और उस चिंता के कारण आप अपने कर्म स्थान में पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाएं। उस ध्यान न दे पाने के कारण आपको कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। यह पॉसिबल है कि संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में, आप इन दोनों लाइफ को मेंटेन, मैनेज और बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और उसे बैलेंस करने का मैंने बहुत ही सरल विधि आपको बताया था कि आपको इसे अलग रखना है और इसे अलग रखना है। राहु जहां पर भी स्थित हो सिर्फ उसी पार्ट में आपको कंसंट्रेट करना है। इस वर्ष, इस 18 माह आपको राहु चाहते हैं कि आप अपने 10th हाउस में, अपने करियर प्रोग्रेशन, आपके कर्म स्थान में आप अपना फोकस करें। उसी प्रकार केतु चाहते हैं कि आप अपने घर से, अपनी माता जी से, अपने सुख सुविधाओं से, जमीन, भूमि, वाहन, आपके कंफर्ट जोन, इन चीज़ों से आप अपना ध्यान को थोड़ा सा हटा कर रखें। जब राहु ग्रह यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो आपका ध्यान अपने सुख सुविधा की ओर बढ़ेगा। हो सकता है इस कारण आप आलस्य आपको हो जाए, आप मद में पड़ जाएं, और उस मद में पड़ जाने के कारण आपको कर्म स्थान में नुकसान उत्पन्न होगा। माता जी की तरफ से कोई चिंता का विषय उत्पन्न हो सकता है, जिस कारण आपको माता जी के प्रति थोड़ा ध्यान देना होगा, समय देना होगा, और इस कारण भी समस्याएं उत्पन्न होंगी। आपके अपना जो पैतृक संपत्ति है उसमें कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। राहु ग्रह 10th हाउस में बैठकर आपके 4th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, अर्थात कि सरकार की तरफ से कोई विवाद आपके पैतृक संपत्ति में उत्पन्न हो सकता है। आपके जमीन, भूमि, वाहन, मकान, इन सभी चीज़ों में राहु ग्रह इस समय थोड़ा वास्तु दोष की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। राहु की दृष्टि पड़ जाने के कारण घर में कुछ ऐसे चेंजेस आप कर देंगे, घर में कुछ आप ऐसे एडजस्टमेंट कर देंगे जिसके कारण आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगी, और उसके कारण आपको हो सकता है थोड़ा दुख भोगना पड़े, समस्याएं उत्पन्न हो, तो आपको इन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। राहु ग्रह का नवम दृष्टि कुंडली के 6th भाव में पड़ रहा है, तो राहु का नवम दृष्टि रिसर्च बेंट ऑफ माइंड के हिसाब से रहता है। राहु वहाँ पर रिसर्च करना चाहते हैं, जिस भी भाव में नवम दृष्टि डालते हैं वहाँ की चीज़ों को और भी अधिक बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं, उसके हायर फिलॉसफी को समझना चाहते हैं। तो कुंडली का 6th हाउस आपका रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है, आपके कार्य स्थान के माहौल का स्थान है, तो इस समय आप, यदि आपको कोई डिजीज है, आपका कोई शत्रु है, तो उसे नाश करने के लिए आप डीप स्टडी करेंगे, डीप रिसर्च करेंगे, और उस रिसर्च में आपको अल्टीमेटली अंत में जाकर आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे, उसके शुभ फल भी आपको प्राप्त होंगे। इसकी दृष्टि के कारण हो सकता है आपको डिजीज थोड़ा अधिक बढ़ा दे, लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है और वर्तमान में फिर शनि ग्रह मार्गी भी हो जाएंगे तो फिर आपके डिजीज समाप्त होने लग जाएंगे, आपको अच्छा फल भी प्राप्त होगा 6th भाव का। लेकिन थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। आप अपने कार्य स्थान के माहौल को और बेहतरीन बनाने के लिए हो सकता है कोई ऐसे स्टडी को करें, कुछ पढ़ने जाएं, कुछ हायर एजुकेशन को प्राप्त करने जाएं, और उससे भी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। आप अपने कर्म स्थान से किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप भेजे जा सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, कोई एग्जीक्यूटिव कोर्स को करने के लिए, और उस कोर्स से आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, क्योंकि यह कर्म स्थान में राहु ग्रह बैठे हुए हैं और यहाँ से 9वां दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं, तो इसीलिए आपको ऐसे लीड्स प्राप्त होंगे अपने कर्म स्थान से, अपने बॉसेस से, जिससे आप अपने ज्ञान में और वृद्धि कर पाएं कर्म स्थान के प्रति, जो कि आपको कर्म स्थान में और भी अच्छा फल प्रदान करने वाला है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर 4 मुख्य प्रिंसिपल्स के ऊपर बात किया, जिससे हम राहु ग्रह के संपूर्ण फल को समझ पाएं, जो कि सिंह राशि वाले जातक के लिए फलित होने वाला है।
सिंह राशि वाले जातक के लिए मिला जुला कर यह समय सम रहने वाला है, ना ही बहुत ज़्यादा अशुभ होगा और ना ही बहुत ज़्यादा शुभ होगा। राहु ग्रह एक बहुत ही विचित्र ग्रह है, एक मायावी ग्रह है और यह आपके सब कॉन्शियस माइंड से आपको घात लगाता है या फिर फायदा देता है। जैसे कि चंद्रमा आपका कॉन्शियस माइंड है तो राहु आपका सब कॉन्शियस माइंड है। चंद्रमा जिस भी पाथ में गोचर करता है, हर एक ग्रह एक राउंड एलिप्टिकल पाथ में गोचर करते हैं, तो चंद्रमा का जो एलिप्टिकल पाथ है उसका जो नॉर्थ नोड है वह राहु है और साउथ नोड केतु होता है। इसीलिए चंद्रमा को कॉन्शियसनेस कहा गया है और राहु को पाथ ऑफ दैट कॉन्शियसनेस कहा जाता है। तो दोस्तों, राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो अपना फल सदैव देता है, हर समय हर वक्त वह फल देने का सामर्थ्य रखता है। चंद्रमा के समान वह आपके मन को सदैव ही प्रभावित किए रहता है। इसीलिए ज़रूरी है कि राहु केतु के इस गोचर को बहुत ही गहनता से समझा जाए और उसे आप अपने जीवन में फिर फलित होते देख सकते हैं और उसके निमित्त जो भी कार्य है बस आपको ध्यान देना है। राहु से रिलेटेड कोई भी क्रिया कोई भी कार्य बस ऐसे ही फलित नहीं हो सकते जब तक आप राहु केतु के चाह को समझ ना जाए। राहु केतु क्या चाहते हैं आपसे, आपको उसे समझना होगा, उनकी दृष्टियों को समझना होगा, तभी आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा वह अपना तांडव तो करता ही रहता है। यदि कोई व्यक्ति राहु केतु के संपूर्ण फल को समझ जाता है, किस प्रकार उसकी कुंडली में फलित हो रहा है उसे समझ लेता है, तो जातक को अल्टीमेटली वह मुक्ति तक प्रदान करते हैं, आपको आत्म साक्षात्कार आत्म अनुभूति आध्यात्मिक उत्थान तक देने का सामर्थ्य रखते हैं। कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो नेता हो राजनेता हो, कोई भी किसी भी फील्ड से बिलोंग करता हो और बहुत ही उच्च पद पर हो, बहुत ही बड़ा पर्सनालिटी हो, तो अवश्य ही उसके ऊपर राहु का एक अच्छा प्रभाव है, तभी वह व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। दोस्तों, इसके उपाय हेतु मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको शिव शक्ति की आराधना करनी चाहिए। शिव शक्ति की आराधना करने से राहु ग्रह थोड़ा शांत होते हैं और यदि राहु ग्रह बहुत ज़्यादा आपको डरा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं राहु से, तो फिर तो आपको नारायण की आराधना करनी चाहिए। नारायण की आराधना से राहु ग्रह सदैव जातक को अपने अशुभ फल से वंचित रखते हैं, अर्थात अपने अशुभ फल को प्रदान नहीं करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य चेकआउट करें। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तथा स्क्रीन में भी फ्लैश आउट हो जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।